हेलो व्यूवर्स, तो मैं आपको देने वाला हूँ फुल रिव्यू इस प्रोडक्ट का और साथ में इसका यूज़ बताऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं अमेज़ॉन और द्राज पीके के लिए। तो मैंने इस बॉक्स को पैक में से निकाल लिया है, तो चलिए अब इस बॉक्स को भी अनबॉक्स करते हैं, इसको खोलते हैं। तो इसको जनाब मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। इस तरह से इसको ओपन करने पर इसमें एक और बॉक्स है, ये बॉक्स, ठीक है। तो इस बॉक्स को भी मैं इसमें से निकाल लिया और अब इस बॉक्स को हमने खोला तो यहाँ पर हमें मिलता है कीबोर्ड और साथ में मिलता है पावर केबल इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है। अब मैं इसके रैपर को उतारता हूँ तो मुझे मिला है ये यूज़र मैनुअल, और यूज़र मैनुअल में यहाँ पर बता रहे हैं कि आप कौन कौन सी डिवाइसेस को इसके साथ कीबोर्ड और माउस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो वेरी इजीली। तो चलिए जो उसके लास्ट की ऊपर रैपर है उसको भी उतारता हूँ। तो देखिए ये कितना ही सुपर फाइन क्वालिटी का ये कीबोर्ड माउस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बटन में फुल कीबोर्ड है और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमें इसमें मिल जाती हैं। तो इसके बटन आप देख सकते हैं कि ये रबड़ के हैं, अच्छी क्वालिटी का रबड़ यूज़ किया गया, इन्होंने अच्छा रबड़ यूज़ किया है। और ये बैक साइड देखिए कितनी सुपर फाइन क्वालिटी है। और इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने यहाँ पर बैटरी की ऑप्शन दी हुई है चार्जिंग के लिए, यानी ये रिचार्जेबल है। 810 mAh की बैटरी है। उसके अलावा हमें मिलता है ये ब्लूटूथ USB कनेक्टर है, यानी हम इस डिवाइस को इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर हमें बटन मिलता है ऑन ऑफ के लिए, यानी हम इस कीबोर्ड को पावर ऑन और पावर ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऊपर साइड में ये USB यानी यहाँ पर कनेक्ट करके पावर केबल जो साथ में मिली है, चार्जर जो भी आप यूज़ करते हो, चार्ज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना हैंडी है। इसका जो साइज़ है कीबोर्ड का वो लगभग 6 to 7 inch है, तो ये बहुत ही हैंडी है, यानी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने में भी बहुत इजी है और बहुत ही हल्का फुल्का है। चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने पे आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट्स ऑन हो चुकी है और कितना ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि इसकी पावर ऑन जो लाइट ऑन है उसके लाइट के साथ में ये चार्जिंग का और ये सेंसर। तो मैं इसको जैसे ही टच करता हूँ तो सेंसर की लाइट भी ऑन होती है और इसके बटन्स की भी लाइट ऑन हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही हैंडी और यूज़फुल है, यानी आप इसको इजीली कहीं पे भी ले जा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके, ठीक है, लैपटॉप के साथ में और स्मार्टफोन, किसी भी स्मार्टफोन के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो किस तरह से करना है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप या आपके PC के साथ में कैसे कनेक्ट करना है। सिंपली आपको जो इसके साथ USB ब्लूटूथ कनेक्टर मिला है आप उसको कनेक्ट कीजिए अपने USB पोर्ट में, लैपटॉप में या PC में कनेक्ट कीजिए इजीली। इसके लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो डिटेक्ट है, ये इस तरह से ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कीबोर्ड को हम अपने ऑन करते हैं, पावर ऑन करने पर इस तरह से, ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उसने ड्राइवर जो है पिक किए और उनको इंस्टॉल कर दिया और ये इंस्टॉल हो चुका है। और मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस मिनी वायरलेस कीबोर्ड पर हमें कंप्लीट जो बटन है कीबोर्ड के वो मिल जाते हैं, यानी कंप्लीट ऑप्शंस हैं। जितने भी आपके कीबोर्ड पर ऑप्शंस रहती हैं वो सारी की सारी इस मिनी वायरलेस कीबोर्ड पर ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं मैं विंडो का बटन पुश कर रहा हूँ और यहाँ से अब मैं ठीक है माउस के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है, गेम्स वाले फोल्डर में, ठीक है। इस तरह मैंने ओपन किया और ये देखिए मैं अपने गेम के फोल्डर में आ गया, यानी आप इसको वेरी इजीली यूज़ कर सकते हो। इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में मैं चलिए अब आपको बताता हूँ कि आप अपने किसी भी मोबाइल, किसी भी स्मार्टफोन, कोई भी आपका स्मार्टफोन है, आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी सिर्फ और सिर्फ एक OTG कनेक्टर की, ठीक है, ये USB OTG कनेक्टर। ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया था अपनी मेरी पहली वीडियो में। तो यहाँ पे जो हमें मिला है ब्लूटूथ
डिवाइस यानी ब्लूटूथ यूएसबी, इसको कनेक्ट करेंगे हम यूएसबी ओटीजी कनेक्टर में। इस तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट कर देने के बाद में मैं इसको कनेक्ट करूंगा अपने मोबाइल में, मेरे स्मार्टफोन में मैं इसको कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर जो भी आपका पोर्ट है चार्जिंग वाला उसमें कनेक्ट करें, और मैं अपने मिनी वायरलेस कीबोर्ड को ऑन किया और ये देखिए माउस पे जैसे ही टच किया स्क्रीन ऑन होगी। अब ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मैं इस तरह से पूरा इस पे राइट कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ माउस से, इसको कैसे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको गूगल जो है उसको ओपन करता हूँ और वहाँ भी कुछ सर्च करके दिखाता हूँ और कैसे अप एंड डाउन करते हैं या कैसे यूज़ करना है इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे अभी। तो ये मैंने सर्च किया है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको आप किसी भी मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन किसी भी तरह का हो, मोबाइल स्मार्टफोन एंड्रॉयड या आईफोन, बस उसमें आपने कनेक्ट करना है अपने उस यूएसबी कनेक्टर को और कनेक्ट करके यूज़ करें बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। तीर के सामने बने गोल निशान पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ वीडियो मुतालिक आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें।